भाई बरसाते का जो आज का एपिसोड था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था और बहुत ज्यादा मतलब मजेदार था, क्योंकि आज पूरी कहानी ऐसी जगह पे मतलब रुकी है, इस तरीके से शॉट लिए गए, इस तरीके की चीज हुई, बड़ा मजेदार लगा। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मेरे होश उड़ाने वाला जो सीन था वो तब था जब आराधना रेयांश जब डंडा मारने वाला होता है उन दो लड़कों को, उस डंडे को पकड़ दे जो पूरा टाइम स्टॉप, बूंदे, पत्ते, सब के सब वहीं रुक गए। सिर्फ वही दोनों थे जो बातें कर रहे थे, जो मतलब एक रिएक्शन दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बस बाकी सब कुछ रुक गया। वो शॉट मैं पर्सनली बताऊं भाई, ये एक बहुत बड़े बजट में अगर कोई साइंस फिक्शन कोई मूवी बनती है उसमें डाले जाते हैं, स्टॉप मोशन जिसे कहते हैं। एंड ये चीज भाई एक शो में डालना, इस तरीके का भाई गजब का शॉट लेना, मैं पर्सनली बताऊं बहुत ज्यादा भाई साहब गजब, मुझे बड़ा मजा आया देखने में। और मैं उस समय मतलब एक शॉक में था कि भाई क्या शॉट लिया गया, सब कुछ इतना ज्यादा परफेक्ट था इस शॉट में कि मैं इस शॉट की तारीफ करते करते थक नहीं सकता, इतना ज्यादा बेहतरीन शॉट था। और ये अनएक्सपेक्टेड शॉट था और बहुत ज्यादा बेहतरीन था। अब भाई बात करते हैं कहानी में क्या हुआ। आराधना और उसकी दोस्त और विक्रम, ठीक है, वो पहुंच जाते हैं उसके लड़की के पीछे। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था वो भाई बाहर निकलते उसको कन्फ्रंट करती, तभी क्या होता है पुलिस आ जाती है। पुलिस बोलते कि भाई देखो साफ सीधी बात, अगर करना तो आप कंप्लेंट करो इसके खिलाफ, वरना आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। वो बोलती नहीं, कंप्लेंट करना, चली जाती है वहां से। अब यहाँ पे विक्रम और उसकी जो वाइफ है वो समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं कि भले आप हो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट, लेकिन किसी का पीछा करना सही नहीं है, गैर कानूनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर जो भी करना है अपनी उसमें रह कर जकड़िए और यहाँ से जाइए बस। और यहाँ पे कहते इतनी देर में आराधना गायब हो जाती है। अब यहाँ से वो चल रही होती है अकेले पैदल 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 पैदल, और बारिश होने लग जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, रेयांश वहाँ पे मतलब एक रेड लाइट पे खड़ा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि मतलब उसको लगता है कि जैसे जो क्या कहते हैं आराधना है वो आती है, और वो आके बोलती है कि ये बारिश है सब कुछ ले जाइए, आप भी मुझे अपने साथ ले जाइए, इन सबसे दूर, अपने अपने पापा, अपनी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मम्मी, बहन का विक्रम, सबसे दूर। ये मतलब सोच ही रहा होता है, तभी क्या होता है दो लड़के आके गेट कराते हैं, बोलते हैं कि बाहर निकल बाहर निकल, और राना भी यहाँ पे बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो चीज गलत लगी वो ये चीज गलत लगी कि यहाँ पे वो जो लड़के थे उन दोनों लड़कों ने नॉर्मली लैंग्वेज में बात की, उन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज में बात नहीं की। जबकि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में भाई अगर ऐसा कुछ होता है भाई कोई भी किसी भी कास्ट का उसके मुंह से हरियाणवी निकलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ ही नहीं ऐसा। लेकिन यहाँ पर राना ने हरियाणवी मतलब उन्हीं की टोन में बात करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे होती है फाइट। लेकिन एक बात ये सही थी भाई कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है ना सीधे डंडे निकलते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चले थे उन्होंने। और इस चीज के लिए मैं बोलूंगा कि भाई अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज की अच्छी तरीके से उन्होंने इस चीज को मतलब सेट किया, और मुझे इस चीज से अच्छी मतलब खुशी हुई कि चलो भाई इन्होंने कुछ तो ऐसा किया जो मतलब सही था, बिल्कुल एग्जैक्ट था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ नहीं भाई, हमें देखने को ये मिलता है कि राना भी यहाँ पे उनसे लड़ रहा था, राना खूब मार पीट रहा था। लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो आराधना होती है वहीं से जा रही होती है, लेकिन तभी क्या होता है एक गाड़ी वाला उसको ठोक देता, वो मतलब गिर जाती है, गिरने के उसके सिर में थोड़ी बहुत चोट आती है, वहीं पर पड़ी जाती है थोड़ी देर। वहां पे एक आंटी आकर उसको पानी वानी पिलाती है, उसको बोलती है कि बेटा तुम ठीक हो क्या है क्या नहीं, उठने की वो कोशिश करती है। फिर जैसे वो देखती है रेयांश है वहां पर, तभी वहां पर क्या है मतलब थोड़ी देर बाद वहां पे रहते दो तीन बार वो देखते हो, और वहां पे रेयांश लड़ाई कर रहा होता है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहां पे जो मतलब जो सीन होता है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आराधना जो है रेयांश का जो डंडा होता है वो पकड़ लेती है, क्योंकि वो उसी डंडे से सबको मारने जा रहा होता है, ऐसा दिखाया जाता है। अब भाई पूरा टाइम रुक गया, ठीक है, सब कुछ रुक गया। तो यहाँ पे फिर इन लोगों के पीछे बात होती है, भाई तुमने क्या मेरे साथ किया, यहाँ पे आराधना बोलती है कि आपने मुझे कहीं कहीं छोड़ा, ये है वो है, तो मतलब यहाँ पे इन लोगों के बीच में बातें होती है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इस सीन को जिस तरीके से इन्होंने किया, पूरा का पूरा इन्होंने एग्जीक्यूट किया, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन, तो बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन हुआ इसका। और मुझे ये सीन देखने में बड़ा मजा आया बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ऐसे सीन्स हॉलीवुड में होते हैं, हॉलीवुड मूवीज में होते हैं, शोज में कभी नहीं मैंने ऐसा देखा कि ऐसा कोई सीन हमें मेजर देखने को मिले। लेकिन भाई मुझे बड़ा मजा आया सीन देखने में। अब कुछ देर बाद जो वो सीन होता है वो खत्म होता है, पता चलता है कि ये जो सीन था ये भाई साहब आराधना के पर्सपेक्टिव से था, ठीक है, और एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ही लड़ रहे हैं, डंडा वंडा नहीं उठाया है, ठीक है। और वहां से आराधना उठती है, वहां से आराधना को इग्नोर करते हुए चली जाती है।
अब सॉरी राना बोलो रियांश को यार, राना राना बोलो तेरे से रियांश, ठीक है, रियांश को इग्नोर करके वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो अपना पैदल पैदल चल रही होती है, तभी फोन आता है, ठीक है, फोन आता है उसकी बहन का, वो बताती है कि आप घर आ जाओ, आप ऐसा है वैसा है, ठीक है। वो फिर उसके बाद क्या होता है, वो घर जाती है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन अपने नहीं, वो विक्रम के घर जाती है क्योंकि वहीं पे वो रह रही है। दूसरी तरफ रियांश जो है वो खाना वाना खा नहीं रहा, तो अपनी मम्मी के कमरे में आके लेटा रहता है, और उसके जो काका होते हैं वो आके खाने वाने की जो बात होती है वो बोलते, लेकिन वो नहीं खाता। तो यहाँ पे उसकी मम्मी आती है, उसकी मम्मी से बात करती है, और क्या होता है कि धीरे धीरे रियांश ना अपने आप को, मतलब एक होता नहीं है कि धागा एक सिरा पकड़ के खींचो तो सब कुछ खुलता चला जाता है, तो वही हुआ, रियांश के अंदर जो एक गांठ बंधी हुई थी वो गांठ क्या है आज खुली। एक धागा आराधना का था, उसको पकड़ के खींचा और पूरी की पूरी गांठ धीरे 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 खुल गई। अपनी मम्मी की गोद में सर रख के बात कर रहा है, सब कुछ शेयर कर रहा है, उसको एक माँ का प्यार, माँ की ममता, अपनी माँ से सब चीजें शेयर कर रहा था जो उसने आज तक कभी नहीं की, वो चीज उसको फील हो रही थी। और ये चीज वो देख के अच्छा लगा कि चलो ये इतना बड़ा एक और एक मेजर स्टेप लिया है रियांश ने, और बहुत अच्छा किया। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि भाई रियांश अपनी मम्मी के साथ, आराधना को भी उसकी मम्मी मतलब आ जाती है मिलने, अपनी मम्मी के साथ होती है, लेकिन यहाँ पे एक और जो हमें एक हम लोग कह सकते हैं कि नया कैरेक्टर देखने को मिला, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलता है, और वो कैरेक्टर पता नहीं भाई कौन है, वो जहाँ तक है लगता है कि हमारे क्या कहते हैं आराधना के मम्मी का होगा, यहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है भाई साहब, वो सब अपने अपनी मम्मी के साथ होते हैं, सीन हो गया, अब यहाँ पे सब खुश है। लेकिन अब सुबह होती है, रियांश को पता चलता है कि वो आया है बंदा, तो वो कौन है मुझे वो समझ ही नहीं, वो बंदा है कौन, तो इस तरह रियांश उससे भड़का रहता है, ठीक है। वो आया है, वो जाके नीचे बात बात करता है, उसकी मम्मी को बोलता है कि आपके लिए आपके सॉन्ग ये वो मायने रखता है, ये काम वाम कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। अब वो आता है, उसको देखता भड़कता, उसको मतलब उसके गर्दन जो ऐसे पकड़ कर देता है। अब यहाँ पर उसके यहाँ बोलता है यही है जिसने वो क्लिप वायरल की थी, ठीक है, बस रियांश का दिमाग था, ठीक है। अब वो उसको मुक्का मारने आता था, लेकिन यहाँ पे उसके मुझे नहीं, अब क्या करना है तुम्हें, पैसा तो तुमने बहुत कमा लिया, अब तुम यहाँ से जाओगे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, और तुम जाकर अभी इस बात को मानोगे कि भाई जो वीडियो वो तुमने निकाली मतलब तो शेयर की थी, मीडिया में तुमने चलाई है, रियांश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ताकि रियांश क्या है, रियांश को जो मतलब वहां से हटाया जा रहा है उसकी कंपनी से, वो ना हो, जो चीजें हैं वो थोड़ी सी मतलब फिर से स्टेबल होना शुरू हो सके। अब इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे भाई एपिसोड खत्म। लेकिन अब दूसरी साइड विक्रम क्या है, सुबह सुबह जाता है, उस मिक्की को पकड़ लेता है और मिक्की को पुलिस के हवाले कर देता है, अंडर अरेस्ट करवा लेता है। लेकिन यहाँ पे बोलता है भाई देखो पुलिस स्टेशन बाद में जाएगा, पहले जाएगा ये हमारे वहां पे न्यूज चैनल पे, ठीक है, और न्यूज चैनल पे जाने के बाद क्या होगा, ये सारी सच्चाई उगलेगा, सब कुछ बताएगा। बस अब वहां पे आएगा रियांश, रियांश सब देखेगा सुनेगा सब बताएगा, और फिर यहाँ पे आराधना और रियांश के बीच जो भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग वो सब क्लियर हो गई, जो चीजें हैं धीरे धीरे स्टेबल फिर से होना शुरू होगी। बाकी भाई अब मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि मिक्की भाई जो बोलता है वो कैसे बोलता है, क्या सीन होता है, उसकी बीवी का क्या रिएक्शन होता है, मैं भी इसको देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और भाई जो ये स्टॉप मोशन जो था सीन वो कैसा लगा। और इसी तरीके से बात साथ है कि आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट।